Hello students, in today's class we are going to learn 6 standard English lesson number 4.4 that is a mad tea party. Students, इसमें हम देखने वाले हैं इसका question answer, so let's begin. So यहाँ पे कुछ tough words के meaning दिए गए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं. Fantasy means imaginative fiction involving magic and adventure. तो fantasy का मतलब क्या, जिसमें imagine करना, ठीक है, और इसमें magic भी रहे, adventure भी रहे, ठीक है. मिंगल मीन्स मिक्स. पेक्चुलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सा कुछ. इंडिग्नेंटली मीन्स शोइंग एंगर दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय समथिंग रॉन्ग, अनजस्ट और मीन. तो कुछ ऐसा दिखाना मतलब कि गुस्सा दिखाना, ठीक है, किसी गलत बात पे, किसी अनजस्ट पे. सिविल मीन्स पोलाइट, वेल मैनर्ड, अच्छे से. सिवियरिटी मीन्स स्टर्ननेस, ठीक है, स्टर्ननेस. कुछ सीवियर, सीरियस. वेयरली मीन्स टायर्डली, ठीक है, थका हुआ, ऐसा समझ सकते हैं. रेवन लाइक इट्स अ लार्ज बर्ड लाइक क्रो विथ शाइनी ब्लैक फेदर्स एंड अ लाउड क्राई. कौवे के जैसा ही होता है, लेकिन कौवे से काफ़ी उसका जो शेप होता है, काफ़ी मतलब काफ़ी आकार में, साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और एकदम ब्लैक फेदर्स होते हैं उसके. Contemptuously means scornfully, means without any respect, ठीक है. So contemptuously का मतलब होता है scornfully, that means बिना किसी respect के. Cautiously means carefully, ठीक है. Between whiles means between two occasions or two short periods. Proposal means suggestion. Hoarse means rough and unpleasant. Feeble means weak, कमजोर. Now let's see question answer. देखो आपको एग्जाम में इसी तरीके से दिया जाएगा, पैराग्राफ पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ questions. There was a dash 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 nor I said the march here. तो यहाँ से यहाँ तक है question. Write any three silly remarks made by the characters other than Alice. Write why you think the remark is silly, ठीक है. क्वेश्चन का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि तीन आपको ऐसे रिमार्क्स, कुछ ऐसी बातें बतानी है करेक्टर्स के, जो करेक्टर्स थे उसमें जिन्होंने कुछ सिली रिमार्क्स किए, ठीक है, मतलब कुछ मूर्खता वाली बातें की. तो देखो जैसे आंसर है, नो रूम नो रूम दे क्राइड, इट वॉज सिली बिकॉज देयर वॉज ऑब्वियसली प्लेंटी ऑफ रूम. वो बोलते जगह नहीं है, जगह नहीं है, वो चिल्लाए थे इस तरीके से, लेकिन ये सिली मतलब मूर्खता भरी बातें थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह थी. There isn't any said the march hare. It was silly because he had just invited her to have some wine. तो उसने invite किया था उसे wine के लिए, ठीक है. Have you guessed the riddle yet? said the hatter. It was silly because he himself did not know the answer to the riddle he had asked. उनको खुद ही उस riddle का मतलब नहीं पता था जो उन्होंने उस लड़की से पूछा था, Alice से, ठीक है. Write who said the following statement and to whom. किसने किससे कहा वो, ठीक है. Your hair wants cutting. किसने कहा था, the hatter told Alice. Hatter ने बोला था Alice से. No, I give it up. Alice told the hatter. क्योंकि उसको नहीं आ रहा था riddle तो उसने बोल दिया था I gave it up, ठीक है. I give it up. Okay. Exactly so. Alice told the March Hare. Have some wine. The March Hare told Alice. March ने Alice से कहा था. Read the following and write a funny sentence on this pattern. So, I mean what I say what I mean. So, B wala, I see what I eat what I see. So, answer dekho, I read what I see what I read. I like what I hear what I like. तो सेम उसी पैटर्न में आपने भी फनी सेंटेंस बनाया. ये कैसा फनी सेंटेंस था ना जो रिडल लोग पूछते हैं. Now can you think of a similarity between a raven and a writing desk? Write at least 5 differences between the two. उनके बीच में क्या differences थे. So similarity क्या है, both are smooth to touch. Touch करने में दोनों ही smooth थे. So raven and writing desk. देखो raven कैसा है, has life, उसमें जान है. No life, made of wood, वो तो non living thing है. Has a voice, no voice. अब डेस्क में कौन सी आवाज़ होगी, जबकि वो रेवन के पास तो खुद की आवाज़ होती है, ठीक है. हैज़ अ बिग फेदर्स बट राइटिंग डेस्क हैज़ नो बिग,
नो फेदर्स, ओके, तो ना तो उसके पास बीक है ना फेदर्स है. हैज़ फीलिंग बट राइटिंग डेस्क हैज़ नो फीलिंग. कैन फ्लाई एंड वॉक मीन्स रेवन कैन फ्लाई एंड वॉक बट राइटिंग डेस्क कैन नॉट मूव फिक्स्ड एट वन प्लेस. ये तो आपको पता ही है, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, ये डिफरेंसेस रहा. सेकेंड पैराग्राफ आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है. अब उसका हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ. वॉट डिड द मार्च हेयर वॉन्ट एलिस टू डू, वो क्या चाहता था कि एलिस करे. द मार्च हेयर वॉन्टेड एलिस टू टेल देम अ स्टोरी, वो चाहते थे कि उसे वो कहानी सुनाए. वॉट डिड द डोर माउस से वेन ही ओपन्ड हिज आइज, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. वेन द डोर माउस ओपन्ड हिज आइज ही सेड दैट ही हैडन्ट बीन एस्लीप एंड दैट ही हैड हर्ड एवरी वर्ड द अदर्स वर सेइंग. राइट, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टू होम. सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट, किसने कहा था. द मार्च हेयर सेड टू एलिस, मार्च हेयर ने एलिस से कहा था. आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, द हैटर सेड टू एलिस. राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ, जस्ट लाइक वेयरली, वेस्टिंग, कंटेम्पटसली, तो और कॉशसली, ब्राइट, इंटरप्टेड, तो इसे नाउन फॉर्म में लिखना है. तो देखो यहाँ पे वेयरली का क्या लिखा, वेयरीनेस. वेस्टिंग का वेस्टेज, कंटेम्पटसली का कंटेम्प्ट, कॉशसली का कॉशन, ब्राइट का ब्राइटनेस, इंटरप्टेड का इंटरप्शन. राइट व्हाट यू वुड लाइक टू डू इफ टाइम वॉज योर फ्रेंड, अगर टाइम आपका फ्रेंड होता तो आप क्या करते. इफ टाइम वॉज माई फ्रेंड आई वुड टेल टाइम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स इन द वैकेशन, वैकेशन की छुट्टी बढ़ाने के लिए कहता. आई वुड टेल टाइम टू मेक स्कूल आवर्स मच लेसर एंड इंक्रीज द आवर्स स्पेंट इन प्लेइंग एंड स्लीपिंग. ठीक है, तो स्कूल का टाइम कम कर देते और खेलने का और सोने का टाइम ज़्यादा कर देते. तो ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, आप क्या चाहते हो टाइम अगर आपका फ्रेंड होता तो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए, आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया. कोई डाउट हो फिर भी, अगर आपको अगर कुछ डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर दीजिए. ठीक है, कोई और वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.